जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के समय हमें डॉक्टर्स का ही रुख करना पड़ता है। ऐसे में हमारी जिंदगी में डॉक्टर्स का एक अहम रोल होता है। मेडिकल इमरजेंसी के समय हमारी जिंदगी पूरी तरह से एक डॉक्टर के हाथ में होती है। डॉक्टर ही है जो हर छोटे बड़े मामलों में एक मरीज की जान बचाते हैं और कई बार उन्हें नया जीवन भी देते हैं। हालांकि आप कई बार हॉस्पिटल गए होंगे और आपने डॉक्टर्स को ऑपरेशन थिएटर में जाते या निकलते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में जाते समय डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं, या फिर इलाज के दौरान मरीज को भी नीले या हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्यों ऑपरेशन थिएटर में जाते समय डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े ही पहनते हैं? दरअसल सर्जरी या फिर इलाज के दौरान डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन रंगों को देखने से उनकी आंखों को आराम मिलता है। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप किसी एक रंग को लगातार देखते रहते हैं तो आपकी आंखों को थकान महसूस होने लगती है। वहीं हमारी आंखें सूरज या फिर किसी भी चमकदार चीज को देखकर चौंधी आ जाती है। ऐसे में अगर हम इसके तुरंत बाद हरे या नीले रंग को देख ले तो हमारी आंखों को काफी सुकून मिलता है। वहीं इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो विज्ञान यह कहता है कि इंसान की आंखों का निर्माण कुछ इस तरह हुआ है कि वे लाल, हरे और नीले रंग को आसानी से देख सकती है, लेकिन बाकी अन्य रंग सूरज की रोशनी के साथ मिलकर एक अलग रंग का निर्माण करते हैं। इन रंगों को हमारी आंखें आसानी से पकड़ लेती हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि ओटी में कई तरह की लाइटें जलती हैं, तो डॉक्टर्स व नर्स को किसी तरह का भ्रम ना हो इसलिए वे इससे निपटने के लिए ओटी में जाते वक्त नीले या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। वहीं किसी डॉक्टर्स को कोई सर्जरी या ऑपरेशन करना हो तो उस वक्त उन्हें काफी बारीकी के साथ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए काम करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर्स और नर्स को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है, इसलिए भी डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले नीले या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि उनकी आंखें को कोई थकान ना हो और वे कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी बिना किसी गड़बड़ी के साथ कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।